नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वॉयलिन प्लेयर कुष्मिता केसी को। कुष्मिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो कुष्मिता, जैसा मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपने तो 5 साल की उम्र में ही गांधी आश्रम स्कूल से शुरू किया था सीखना, क्या कुछ याद आता है उस वक्त का? जी, एक मेमोरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और वो है जब मैं स्कूल में गई थी, जब मैं 5 साल की थी, तो रजिस्टर करने के लिए, नाम देने के लिए गई थी स्कूल में, क्योंकि स्कूल एजुकेशन फ्री था। गांधी आश्रम एक मिशनरी स्कूल है, एक कैनेडियन प्रीस्ट फादर मैकग्वायर, उन्होंने इंडिया में आके बड़ा सा स्कूल खड़ा किया है मेरा विलेज में, एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड। और जी, तो वो फर्स्ट दिन में जब मैं स्कूल गई थी तो मैं बहुत ही रोने लगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे गेट पे छोड़ के घर जा रही थी वापस, तो मुझे वो पसंद नहीं था। तो उनको बहुत ही डिफिकल्ट हुआ कि फादर को और टीचर्स को कि मुझे कैसे भुलाएं। और टेडी बेयर्स दिया गया था मुझे, और बहुत सारा टॉयज दिया था और मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पर हेल्प नहीं हुआ। तो मैंने एक टीचर को देखा था साइड पे कि उन्होंने दूसरे बच्चे के लिए प्ले कर रहे थे, और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड होके उधर देख रही थी। तो उनको पता चल गया कि हाँ, इसको भी अभी थोड़ा वायलिन बजाने के लिए ट्राई करने के लिए देंगे, तो मुझे वायलिन दिया गया। तो मैं खो गई थी, टाइम चला गया था, मालूम ही नहीं पड़ा। वो टाइम पे जब मेरा टाइम हुआ था घर जाने के लिए, तो फादर ने बोला कि हाँ, तुम्हारा माँ फिर आ गया है तुमको लेने के लिए, और अब तुम घर जाओगी, तो वायलिन रखो इसे इधर और कल आके फिर से प्ले करो। सो जी, वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वायलिन को इंट्रोडक्शन हुआ, और बिकॉज वायलिन हैज गिवन सो मच टू मी इन माई लाइफ एंड इट हैज सेव्ड मी फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन माई लाइफ। सो वायलिन के बिना मैं अभी आई वुडन्ट बी हियर, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वायलिन एंड दैट्स माई मोस्ट फेवरेट मेमोरी। कुष्मिता, इस इंटरव्यू को और आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं उसी गाने को बजाने की रिक्वेस्ट करूंगा जो गाना हमने रागगिरी के सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जो आपका वीडियो जिसे लोगों ने बहुत चाहा, तो सबसे पहले उसी गाने से शुरुआत करते हैं। जी, वो गाना था लग जा गले, और दिस इज लग जा गले फॉर यू। अच्छा कुष्मिता, आपने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर वॉयलिन के लिहाज से बात की जाए कि वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल में जो बड़े जो बेसिक फ़र्क हैं, कुछ मोटे मोटे फ़र्क जो हैं, वो आप हमें ज़रूर बताइए। जी, एक फ़र्क है, इंडियन क्लासिकल में आप रागास लेते हैं और हम वेस्टर्न क्लासिकल में स्केल्स लेते हैं। और वायलिन में बड़ा सा फ़र्क ये है कि वायलिन हम वेस्टर्न में इसे खड़े होके 90 डिग्रीज पोस्चर बना के हम प्ले करते हैं इसे, राइट? और इंडियन क्लासिकल में आप बैठ के प्ले करते हैं इसे। और इन दोनों ही वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल में टेक्निकलिटीज डिफरेंट होते हैं, चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं,
और म्यूजिक भी बहुत डिफरेंट है। कोई एक और गाना जो आपके दिल के करीब हो? सारा है म्यूजिशियंस के लिए एक फेवरेट नहीं होता है। वट एवर वी प्ले वी लव देम सो बट एक थीम बजाऊंगी मैं, ये है मूवी कलंक का टाइटल ट्रैक। अच्छा कुष्मिता, मैंने पढ़ा आपके बारे में और मैंने जितना आपको फॉलो किया म्यूजिकल सर्किल के लिहाज से अगर बात की जाए, तो मैंने पाया कि आपने विदेशों में पढ़ाई की, विदेश में आपने सिखाया भी, लेकिन उसके बाद आप हिंदुस्तान लौटी। तो इसकी इसके पीछे इस बड़े फैसले के पीछे की वजह क्या है? जी, मैं 13 साल की थी जब मैं जर्मनी गई थी, क्योंकि मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था उधर प्रोफेशनली वायलिन सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में, और मैंने स्कूलिंग भी किया पैरेलल, और जी डिग्री भी किया है वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में, वायलिन परफॉर्मेंस में किया है। और मैं वापस इसलिए आई क्योंकि इतना सालों से मुझे मेरा पेरेंट्स बहुत ही मिस हो रहा था उधर, और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ तो मेरा सिर्फ 2 बहनों हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है, तो उनके लिए था एक वजह आने के लिए। और ये दूसरे वजह ये था कि इंडिया में एक सिंफोनी ऑर्केस्ट्रा था, वो है अभी भी है मुंबई में, और वहाँ मुझे बजाना था क्योंकि वो मेरा अपना कंट्री का ऑर्केस्ट्रा है, और या दैट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो हाँ, तो वो दोनों रीजन्स था क्यों मैं वापस आई इंडिया। जी, आपने पूरी दुनिया में जो तबले का पर्याय बन चुके हैं जाकिर हुसैन साहब, उनके साथ भी प्रोग्राम किया, और रागगिरी के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि जाकिर साहब हमारे भी मंच को मंच पर कार्यक्रम कर चुके हैं। तो वो कैसा अनुभव था जाकिर हुसैन साहब के साथ आपके कार्यक्रम का? जी, जाकिर हुसैन जी के साथ मुलाकात हुई थी आई थिंक अराउंड 2 or 3 years ago, जहाँ उनका सीरीज रहते हैं, ही डज इट एवरी ईयर, शुक्र गुजार दैट्स द नेम, ही डज दैट इन पृथ्वी थिएटर, और लाइक स्पेशली दैट वॉज मेमोरियल कॉन्सर्ट फॉर शशि कपूर जी, और उनका फिल्मों का गाना है और सब अरेंजमेंट्स वो टाइम पे वेस्टर्न क्लासिकल का होता था, और सो वी नीडेड वेस्टर्न म्यूजिशियंस एज वेल बट ऑल्सो ब्लेंडेड विद इंडियन क्लासिकल, सो दैट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू विटनेस दैट एंड ऑल्सो टू बी इन हिज प्रेजेंस एंड टू मेक म्यूजिक विद द ग्रेट लेजेंड्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लाइक राकेश चौरसिया फॉर एग्जाम्पल, रविचारी, ऑल दिस पीपल, एंड आई ग्रेटली एडमायर देयर आर्ट, सो इट वॉज एन ऑनर एंड इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। अच्छा, इसके अलावा आपने फिल्मों में सुरेश वाडेकर हो गए, तलत अजीज साहब हो गए, इसके अलावा आपने रेखा भारद्वाज के साथ भी कार्यक्रम किए हैं, शोज किए हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये तीनों ही नाम जो मैंने लिए वो पॉपुलर कैटेगरी में आते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनके इनके गानों की फरमाइश बहुत हो रहती है, तो किस तरह की
किस तरह का कोलैबोरेशन था आपका इन कलाकारों के साथ? रेखा भारद्वाज जी के साथ भी ऐसे ही मुलाकात हुए थे, जो हम एक मेमोरियल कॉन्सर्ट था जगजीत सिंह जी के लिए. सो वी वर इन द रिहर्सल प्रैक्टिसिंग एंड ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम. So that was my beginning days of Mumbai, where I had come back from Germany, or where I was figuring out how things work in Bollywood, also Indian music, because मैंने सारा उधर जर्मनी में वेस्टर्न क्लासिकल बजाया था ऑर्केस्ट्रा के साथ, डिफरेंट म्यूजिक बजाया था. तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि देखने के लिए इंडिया में ऑल्सो प्लेइंग बॉलीवुड सॉन्ग्स. सो इट वॉज अ टाइम फॉर मी टू एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ थिंग्स गो. सो Yes, so it was definitely one of the amazing experiences that I've had playing with all these big celebrity musicians in Bollywood. And one can never forget this. So I'm really grateful for this experience and really honored to be a part of this industry. कुशमता, हम इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक गाना जो आपके दिल के करीब हो, हिंदुस्तानी किसी हिंदी फिल्म का हो या कोई और म्यूजिक जो आप बजाना चाहें हमारे लिए. जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो दिस इंटरव्यू, एंड आई हैव एंजॉयड टॉकिंग विद यू. थैंक्स अ लॉट टू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू मी. एंड हियर आई एम गोइंग टू प्ले अ वेस्टर्न क्लासिकल पीस बाय मोजार्ट, which many of you will be knowing, and it's called Eine kleine Nachtmusik, which means translated from German, a small like night lullaby in a way. So here we go. कुशमिता, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रागगिरी की शुभकामनाएं कि आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे.